सो हेलो डियर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो डियर्स, फाइनली आज हमारे पास बजट स्नीकर का तीसरा शूज आ चुका है, जो कि यूएस पोलो ब्रांड का होने वाला है। कैनवास टाइप का स्नीकर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर उसे चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छी क्वालिटी के मैंने स्नीकर्स और काफी बजट फ्रेंडली स्नीकर्स का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको हमारी शूज अनबॉक्सिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ये वाले शूज आपको काफी अच्छी देखने को मिलेंगे, काफी बजट फ्रेंडली होने वाले हैं और काफी अच्छी क्वालिटी, काफी अच्छी लुकिंग के साथ देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। बने रही चैनल पे, दिखाते हैं इनका फुल डिटेल रिव्यू, तो बने रहिए वीडियो में। सो डियर्स, बॉक्स पैकेजिंग की बात की जाए तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। व्हाइट कलर का बॉक्स होने वाला है। यहाँ पे यूएस पोलो एसोसिएशन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ये लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर अदर डिटेल की बात की जाए तो साइड में एक लोगो अटैच किया गया, जिसमें आपको बाकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे इसके स्टाइल नेम है क्लार्किन और ये ऑफ व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको साइज मेंशन की गई है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से प्राइस चेक कर सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में आपको मेंशन देखने को मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो ये एक्चुअल प्राइस नहीं होने वाली है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, निकालते हैं शूज कैसे क्या होने वाला है। सो डियर, शूज को आप पास से देख सकते हो, शूज की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये व्हाइट कलर का आपको शूज देखने को मिलेगा, काफी अच्छी क्वालिटी का शूज रखा गया है। लो टॉप स्नीकर्स होने वाला है, जो कि आपकी बेसिकली स्नीकर्स टाइप में काफी अच्छा डिमांडिंग कैटेगरी होती है लो टॉप की। इसका फैब्रिक आप पास से देख सकते हो, ये आपको कैनवास टाइप का फैब्रिक देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली मोटा टाइप का क्लॉथ होता है, जो कि आप शूज में एक कैनवास स्नीकर्स के अंदर आता है। टिप पे आपको राउंड शेप देखने को मिल जाएगी, आपको बैम्प एरिया पे यहाँ पे फ्रंट में मड गार्ड की तरह आपको ये कैनवास का ही फैब्रिक यूज किया देखने को मिल जाता है। लेस लाइन एरिया पे आपको हॉल कवरिंग के ऊपर मेटल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट वाली के ऊपर आपको ब्लू कलर का मेटल कवरिंग दिया गया है, जो कि आपको यूएस पोलो के जो लोगो है उससे मर्ज करके बनाया गया है। अगर पीछे हील एरिया पे बात की जाए तो आपको रेड एंड ब्लू कलर का आपको यहाँ पे स्ट्रिप बनाई गई है, दो पैच अटैच किया गया है एक तरीके से, जो कि दिखने में काफी प्रीमियम लगते हैं, जो कि यूएस पोलो के लोगो के साथ मर्ज करके ये भी बनाए गए हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के ये पैच देखने को मिल जाता है। अगर मिड पोर्शन बात की जाए तो यहाँ पे एक और पैच देखने को मिल जाता है दोनों साइड, इसमें इधर की साइड आपको यूएस पोलो का लोगो प्रिंट किया देखने को मिल जाएगा, इधर नॉर्मल आप देखने को मिलेगा। कैनवास की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर लेस एरिया की बात की जाए तो लेस आपको काफी अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट नायलॉन का डबल लेयर वाला लेस देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा इसका लेस रखा गया है, जो कि शूज के ऊपर काफी ज्यादा इनहेंस करता है शूज की लुकिंग को। अगर टंग एरिया की बात की जाए तो टंग इसका काफी ज्यादा नॉर्मल रखा गया है, काफी मरा हुआ सा इसका टंग आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया गया है, नॉर्मल टंग देखने को मिल जाता है। टंग के नीचे के जो फैब्रिक है वो कैनवास का होने वाला है, और नीचे आप देख सकते हो मेड इन चाइना की बैजिंग देखने को मिल जाती है, 6 नंबर ये साइज देखने को मिल जाता है। टॉप लाइन एरिया की बात की जाए टॉप लाइन पे थोड़ा बहुत आपको कुशन देखने को मिल जाएगा, दोनों साइड भी टॉप लाइन एरिया की कुशनिंग भी थोड़ी बहुत रखी गई है, ज्यादा इसमें आपको कुछ कोई भी कुशनिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्नीकर्स आते हैं कैनवास के वो नॉर्मली आते हैं, ज्यादातर आपने देखा हो तो यहाँ पे स्टिचिंग करके दिया हुआ रहता है। इनर सोल में भी आपको कोई ज्यादा कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी मत इस शूज से, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, ये सिर्फ लुकिंग के लिए, और डेनियम के ऊपर आप इसे नॉर्मली वियर कर सकते हो जैसे पार्टी वार्टी के लिए, तो उनके लिए बनाया गया है। आउटर सोल की बात की जाए तो आउटर सोल सॉफ्ट रबर का बनाया गया है, जो काफी अच्छी क्वालिटी का आउटर सोल बनाया गया है, काफी अच्छी इसकी पेस्टिंग रखी गई है। शूज आपको काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको आउटर सोल के ऊपर यहाँ पे डॉटेड पैटर्न की एक पैच अटैच किया गया है, जो कि फ्रंट एरिया के ऊपर होने वाला है। अगर आउटर सोल की ग्रिप की बात की जाए तो आउटर सोल की ग्रिप आप देख सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी का आउटर सोल ग्रिप डिजाइन किया गया है। ये सॉफ्ट रबर का होने वाला है, इसलिए इसका जो आपको ग्रिप देखने को मिलेगी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो मैं टेबल के ऊपर जितनी फोर्स से खिसका रहा हूँ उतना ही ज्यादा इसका फ्रिक्शन बन रहा है, तो काफी अच्छी इसकी ग्रिप रहने वाली है, जो कि एक नॉर्मल टाइप का आपको ग्रिप दे देगी, ज्यादा स्लिप नहीं होने वाली, स्लिपरी इसकी ग्रिप नहीं होने वाली है। बीच में आपको यूएस पोलो एसोसिएशन का लोगो और उसका नीचे यूएसपीए का आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। शूज कुछ इस तरीके का होने वाला है, शूज काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, कंफर्ट तो जीरो है इसका। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर शूज पसंद आया तो खरीदना रहे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चेकआउट कर सकते हो, प्राइसिंग आपको यहाँ पे मेंशन आ रही होगी। अगर आपको हमारे इसी तरह की शूज अनबॉक्सिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।